और बुमराह ने बना दिया ढुमरा इंग्लैंड को मार मार के ब्रॉड को। 5 विकेट एंडरसन की जरूर है लेकिन भाईजान तौबा 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 तौबा, इतना मारा इतना मारा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah breaking the world record of getting 29 off his bat in a 35 run over. ये नाम फिरंगियों के दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। फिरंगियों की जो बैंड बजाई जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 35 रन, आज तक टेस्ट की हिस्ट्री के अंदर एक ओवर में इतने रन किसी भी प्लेयर ने नहीं मारे। इससे पहले लास्ट रिकॉर्ड था वो भी महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम से। ये जो रिकॉर्ड बुमराह ने बना दिया है आप यकीन मानिएगा ये सदियों तक याद रखा जाएगा रिकॉर्ड, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड टेस्ट मैचों में बनना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। और जब इंडियंस अपना कारनामा दिखाते हैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सिर्फ एक ही होता है, वो है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। वो बुमराह की 35 रन वाली सगाई पे अपनी शहनाइयां बजा रहा है और उछल उछल के नाच रहा है। जसप्रीत बुमराह की तारीफ होगी और भारतीय टीम की जो तारीफ होगी बाढ़ लगा दी इन पाकिस्तानी उन्होंने, आहा आहा देखने लायक। जब दुश्मन हमारी तारीफ करे तो फिर उसकी बात ही क्या है। तो आप वीडियो का लीजिए मजा, आपका वही मिलेगा आपको सीधा आखिर में। और जसप्रीत बुमराह तौबा तौबा, 16 बॉले 31 रन, 200 का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट, 193.75, 4 चौके 2 छक्के। ब्रॉड कह रहे हैं अम्मा जी मेरी शामत आई। व्हाट एन एफर्ट बाय जसप्रीत बुमराह। बता दूं बुमराह शेर की तरह बैटिंग कर रहा है। ये जो आप लोग बातें करते हैं ना भाई, मैं आपको यही कहता हूं, इंडियन टीम इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट यूनिट। बाबर से अच्छा बुमराह ना है कोई हल दिलों की। रोज से ये खेल रहे हैं क्रिकेट, जिस कहना चाहिए कि पैशन के साथ खेलते हैं। जितने ये पॉजिटिव क्रिकेट खेलना शुरू हो गए वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि इनकी विक्ट्रीज है ना आउटसाइड द कंट्रीज बहुत होने लग गई। जिस टीम की विक्ट्रीज आउटसाइड द कंट्री होना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि जी उसकी टीम है ना बहुत स्ट्रांग टीम है, होम टीम में ना बहुत सारी टीमें जीतती है। जसप्रीत बुमराह 4-5 वाइड, 9 का छक्का, चौका चौका छक्का, इक्का वाह वाह। इतने टेस्ट मैचों में 400 रन हो और स्ट्राइक रेट जो है वो आपका जो है वो 5 रन के करीब हो 85 ओवरों में, लुक्स लाइक पंत विल मेक एंडरसन रिटायर एंड बुमराह विल मेक ब्रॉड रिटायर। बुमराह एंड शामी शुड ओपन नेक्स्ट इनिंग विद बैट्स अगेन। यार आप बहुत मजाकी हैं, बहुत मजाके करते हैं आप। और बुमराह ने बना दिया ढुमरा इंग्लैंड को मार मार के ब्रॉड को। 5 विकेट एंडरसन की जरूर है लेकिन भाईजान तौबा 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 तौबा, इतना मारा इतना मारा। और ये तो चलो आज बुमराह ने किया कारनामा, ये तो आज बुमराह ने किया। इन पाकिस्तानियों की तो कल भी फटी पड़ी थी जब ऋषभ पंत और जडेजा की जो उन्होंने बैटिंग देखी और जो उनकी पार्टनरशिप देखी और उन्होंने जिस तरीके से इंग्लैंड जैसी फास्ट पिच के ऊपर उन्होंने क्रिकेट को संभाला और भारत की पारी को आगे बढ़ाया, उसके बाद से इन पाकिस्तानियों की कल से ही फटी पड़ी है। आज बुमराह ने फाड़ दी। जब तारीफों का दौर चल रहा है तो क्यों ना ऋषभ पंत और जडेजा की तारीफों का भी आनंद लिया जाए। लेकिन सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर कोहली ना हो तो भारतीय टीम फिर भी परफॉर्म कर रही है और कमाल परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ बाबर आजम नहीं होता हाँ। तो हम तो सब परेशान हो जाते हैं। वाकई में एक्स्ट्रॉर्डिनरीली परफॉर्म किया है आपने, क्योंकि अगर आप अपने जो है वो नौजवान खिलाड़ियों को मौके दें, भारत को देखें ना, शबनम गिल उनका अंडर 19 से आया, ऋषभ पंत अंडर 19 से आया और उन सबने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मैं समझता हूँ हमें भी यही करना होगा वैस, कि अगर हम एक पॉलिसी अपनाएं कि अगर हम यंगस्टर्स को सीनियर्स के साथ, ये नहीं कि पूरी टीम यंगस्टर्स की खिला दें, लेकिन उन्हें ग्रूम करें। हम ग्रूम ही नहीं करते। गाबा के ढाबा से एजबेस्टन के हीरो लॉयन एक ही है जिसका नाम है ऋषभ पंत। 337 आउट है, 222 रन की
छठी विकेट की पार्टनरशिप पे 89 बॉल्स में 100 है, 146 रन है, 111 बॉले है, 4 सेंचुरियां सेना कंट्रीज के खिलाफ है जो 260 इनिंग्स में बाकी विकेट कीपर ने की है। ये हमें चाहिए कि हकीकत को हकीकत की निगाह से देखें, वैसे जब भी हम कामयाबी की राह की तरफ गामजन हो सकते हैं, ये नहीं कि हम छोटे छोटे बहाने शुरू कर दें। अब आप भारत को देख लेना तो हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी होना चाहिए, हम डरते हैं नौजवानों को मौके देने से, डरते हैं कहीं हार गए तो फिर हमारी जो है वो खिंचाई ना शुरू हो जाए। तो 5 जो उसके ऐसे स्कोर हैं जो कि 90s के अंदर है, 92, 94, 96, वो सेंचुरी में भी कन्वर्ट हो सकते थे। बट बॉय व्हाट अ इनिंग्स इट वाज। ऋषभ स्मैशर पंत भाई मारता है, बड़ा जबरदस्त मारता है, सिंगल हैंडेड है ऋषभ पंत। इज दिस इज हाउ ही प्लेज, दिस इज व्हाट इट डिफाइंस हिम फॉर मी इन अ नटशेल। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत इसी तरीके से खेलता है, यही उसकी एक आप कह लो यूनिकनेस है, यही उसका स्किल सेट है, यही उसकी एबिलिटी है और यही शायद उसको डिफरेंट यूनिक करता है दूसरों से। के एक दफा इंडिया का बल्ला चलना शुरू हुआ तो ये गोरे, ये बेन स्टॉक्स, ये ब्रैंडन मैकलम, ये उस तरह की क्रिकेट, ये इस तरह की क्रिकेट, तो भाईजान ये उस तरह ना इस तरह, ये है इस तरह। दिस इज कॉल्ड सेंसेशनल वन एंड ओनली मिस्टर ऋषभ पंत। जिस तरीके से भारत की टीम ने शुरुआत की थी तो मुझे तो खुद को लगा था सीरियसली 150 के अंदर ही ये पूरी ढेर होने वाली है, लेकिन भारत ने तो रनों का अंबार लगा दिया। इतना तो मतलब फिरंगियों ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी तरीके से हम इनको मारेंगे ये इंडियंस आके। लेकिन मेरा दिल बड़ा खुश है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है दो जनों को जब इंडिया टीम पीटती है ना बुरे तरीके से, तब एक तो हमारा चाइनी दुश्मन, कट्टर दुश्मन, हमारा पड़ोसी मुल्क जालिस्तान पाकिस्तान, और दूसरा ये फिरंगी जिन्होंने हम पे 200 साल राज किया, जब इनको पीटती है ना भारतीय टीम तो एक आनंद की प्राप्ति होती है मुझे। और आप लोगों को कब आनंद की प्राप्त होती है वो आप कमेंट में बताएंगे। आप लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे बोल दिया था मेरी तबीयत खराब है, आप लोगों ने इतने सारे गेट वेल सून, ठीक हो जाओ भाई, आपको दुआ है प्रे ठाकुर जी की, राम जी की, सबकी कृपा हो, ठीक हो जाओ। इतना प्यार मोहब्बत देख के मैं तैयार हो गया, वैसे पूरी तरीके से लौंडा तैयार नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो बनाने के लिए तो आ गया। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इन फिरंगियों को जैसे हमारे इंडियन पीट रहे वैसे उसमें एक फॉलो का बटन है, आप उसको जाके पीट दो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।